पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पंजाब के मोहाली के कुराली में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 7 से 8 लोगों के झुलसने की बात सामने आ रही है। मौके पर मोहाली और रोपड़ में दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। इन दोनों शहरों से एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी पहुंची है। मौके पर पुलिस अधिकारी और 2 दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद है। जिस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है उसके बगल में भी केमिकल फैक्ट्री है। अगर वहां पर भी आग पकड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आग लगने के बाद अभी तक 5 लोगों को रेस्क्यू कर मोहाली के 6 फेस अस्पताल में भेज दिया गया है। फैक्ट्री में आग इस तरह लगी हुई है कि अंदर केमिकल की चीज़ों में लगातार ब्लास्ट हो रहा है। इस हादसे के बाद केमिकल फैक्ट्री के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। पहले वीडियो को करीब से शूट किया गया है जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आ रही है। वहीं दूसरा वीडियो काफ़ी दूर से शूट किया गया है जिसमें आग लगने के कारण काला धुआं आसमान में उड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।